बहर कैफ एक और शख्सियत की बात यहाँ कर ली जाए, जब आपने ये सिलसिला शुरू किया ही है तो इसको जी हाँ बढ़ता रखते हुए, जी हाँ बिल्कुल, और बात करना चाहेंगे अमीर बाई कर्नाटकी की, क्योंकि आज उनकी बरसी है जी। और 1906 में बागालकोटे कर्नाटक में आप पैदा हुई थी और कन्नड़ और गुजराती जबानों पर उन्हें उबूर हासिल था जी। और उनके जो कुछ गुजराती नकमे थे वो बड़े मशहूर हुए थे। अच्छा। और जी हाँ, मारे थे गामरे एक बार आओजो, ये गुजराती नकमा था और रानक देवी एक फिल्म आई थी उसमें उन्होंने गाया था। ये तो मैं भी समझ गया इसका मतलब। और HMV बड़ी मशहूर कंपनी रही है रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो, वो बहुत मुतासिर हुए थे और फिर उनको एक मौका मिला था जीनत फिल्म में कवाली गाने का और शौकत हुसैन रिजवी साहब ने ये फिल्म बनाई थी और उसके बाद कुछ फिल्मों में आपने अदाकारी भी की और बॉम्बे टॉकीज की जो किस्मत फिल्म रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने काम भी किया था जी। और काफी नगमे उन्होंने गाए और उस दौर में भी काफी पैसे आप लेते थे, दूसरे गुलकारों को सिर्फ 500 रुपए मिला करते थे। अच्छा, इनके रिकॉर्डिंग के, जबकि आपको उस वक्त में भी 1000 रुपए मिला करते थे रिकॉर्डिंग। क्या बात। और कुछ फिल्में उनकी रही जिसमें रतन भी शामिल है और किस्मत की हमने बात की है और एक नगमा उनका सुनवा देते हैं, हालांकि वो साथ में आवाज लता मंगेशकर साहिबा की भी है और समाधि फिल्म का जहां तक हमारे मालूम है ये नगमा है, तो आइए सुनते हैं खराज अकीदत इस शख्सियत को यानी अमीर भाई कर्नाटकी साहिबा।